इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आलिम मोहम्मद इकबाल 147 वोट के साथ डिप्टी मेयर चुने गए। बीजेपी के प्रत्याशी कमल बागड़ी को 116 वोट मिले हैं। कुल 265 वोट डाले गए, जिसमें से 2 वोट अवैध पाए गए। आम आदमी पार्टी के आलिम मोहम्मद इकबाल 147 वोट के साथ डिप्टी मेयर चुने गए हैं। इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय मेयर चुन ली गई हैं। अब डिप्टी मेयर आलिम मोहम्मद इकबाल को चुना गया है, 147 वोट उन्हें मिले हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कमल बागड़ी को 116 वोट मिले, कुल 265 वोट डाले गए थे, इसमें 2 अवैध। 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया। बड़ी खबर, आज चौथी बार सदन की मीटिंग हुई और चौथी बार में मेयर मिला है दिल्ली को। आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार जीते हैं। आलिम मोहम्मद इकबाल को 147 वोट मिले, डिप्टी मेयर चुन लिए गए। इससे पहले शैली ओबेरॉय को 150 वोट मिले और वो मेयर चुन ली गई। दिल्ली में 15 साल बाद बीजेपी की सत्ता खत्म हुई एमसीडी में और आम आदमी पार्टी का यहां पर अब पूरी तरह से दबदबा। मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों को जीत मिली है। दिसंबर में चुनाव के नतीजे आए और इसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला, लेकिन मेयर के चुनाव को लेकर के लगातार घमासान होता रहा। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद ही मेयर का चुनाव हो पाया, जिसमें कहा गया था कि जो नामित सदस्य हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे। उनके हित में आए तो वो शांत है। आज यही मीडिया देख लेता कि अगर निर्णय में जरा सा भी कुछ और आ जाता तो वो कहते कि जुडिशरी और मोदी जी मिले हुए हैं, केंद्र सरकार मिली हुई है। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, परंतु हम जो एक लाइन ऑफ एक्शन रखते हैं उसी को कहते हैं। हमने लोकतंत्र की खूबसूरती बनाए रखने के लिए चुनाव लड़ा, क्योंकि ये अधिकार होता है दूसरी पार्टी का कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। हमने लड़ा और इसको हमने पूरा शुचिता के साथ निभाया। तो एमसीडी इलेक्शन के 2 महीने बाद आखिरकार अब मेयर और डिप्टी मेयर का सिलेक्शन हो चुका है। आज आम आदमी पार्टी के शैली ओबेरॉय मेयर चुन ली गई हैं, जबकि आलिम मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया है।